पाकिस्तान में चल रहे आतंकी कैंपों के लिए प्लान तैयार है। अगर फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो बड़ी कार्रवाई करेंगे, ये कहना है थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत का। जनरल बिपिन रावत शनिवार को आसियान और आसियान प्लस देशों के फील्ड मेडिकल एक्सरसाइज 2019 के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आतंकी शिविरों के खात्मे तक आगे भी ऐसे ही एक्शन होंगे। पाकिस्तान द्वारा लगातार किए जा रहे सीज फायर उल्लंघन पर उन्होंने कहा है कि भारतीय सेनाएं पूरी तरह से सक्षम और तैयार हैं। हाल ही में म्यांमार सीमा पर भारतीय सेना द्वारा आतंकी कैंपों के खात्मे पर बोलते हुए जनरल बिपिन रावत ने कहा कि म्यांमार आर्मी के साथ संयुक्त ऑपरेशन का उद्देश्य अपनी जमीन का बाहरी लोगों को गलत इस्तेमाल से रोकना है। जब उनसे सवाल किया गया कि कितने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया तो उन्होंने इसकी संख्या बताने से इनकार कर दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि भारत और म्यांमार आर्मी मिलकर आतंकियों का सफाया करते रहेंगे। Well, we have been conducting operations along with the Myanmar army, and the purpose of these operations is to ensure that each other's territory is not allowed to be used by insurgent groups on either side. And I think that is a good way forward, and it just goes on to show the manner in which Indian army and Myanmar army are cooperating with each other. That much, the rest, of course, it's an ongoing process, so it is rather premature to talk about the entire thing at this stage. Well, again, you see, it's not correct to give out numbers because, you know, then we start having a fight on numbers. I think we'll not talk of numbers, but we will say that the Indian Army and Myanmar Army are cooperating very well to ensure that each other's territory is not used by insurgents on either side. I think let's not talk about numbers. But yes, let us say it is a success and it's a continuing process. एक और सवाल के जवाब में जिसमें आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा कि देश की सेना को अगर जरूरत पड़ी तो वो एक बार फिर क्या कई बार सर्जिकल स्ट्राइक करेगी, लेकिन ये कहना गलत है कि जनता के कहने पर सेना कभी भी स्ट्राइक कर देगी। ये एक राजनीतिक कदम होता है जिसे सोच समझकर लिया जाता है। मैं आपको एक कहना चाहूंगा कि आपकी सेनाएं तैयार हैं, बस आप इतना समझ जाइए कि आपकी सेनाएं जो है सक्षम है और तैयार है। देखिये, जब सेनाएं काम करती हैं तो जनता के कहने पर काम नहीं करती हैं, इस पे काफ़ी विचार विमर्श किया जाता है और विचार विमर्श करने के बाद ही ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है, और उसके बाद जब कोई पॉलिटिकल डिसीजन लिया जाता है उसके ऊपर सेनाएं अमल करती हैं। तो जो भी कार्रवाई होगी वो जनता के कहने के या उनके सुझाव से नहीं होगी, ये एक वेल थॉट आउट पॉलिटिकल डिसीजन होगा और उसके हिसाब से आपकी सेनाएं काम करेंगी।